आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ईमान की बेहतरीन हालत पे होंगे। आज हम जमात दहम की किताब का तारुफ पढ़ते हैं कि नए सिलेबस के मुताबिक इसमें कितने बाब शामिल किए गए हैं। पहला बाब जो सा है वो कुरान मजीद और हदीस नबी के बारे में है। उसका हिस्सा अव्वल तर्जमातुल कुरान है, जिसकी अलग से किताब है। उसके अलावा हिफाजत और तदवीन हदीस हदीस नबविया के बारे में बताया गया है। बाब दो में ईमानियात और इबादात का जिक्र है। बाब सोम सीरत नबवी है, जिसके दो हिस्से हैं, अहद नबी के माह साल मतनी दौर में और अस्वा रसूल और हमारी ज़िंदगी के बारे में। बाब चार में अहलाक व अदाब के बारे में बताया गया है कि हमें अहलास व तकवा, पर्दापोशी, झूठ, गीबत और बख्तान, जादू, फाल और तोहमपरस्ती से कैसे बचना चाहिए, इनके बारे में हदायत हैं। बाब पंजम में हुस्ने माशत और मामलात का जिक्र है। सूद की हुरमत, इस्लामी रियासत और जहाद फी सबीलिल्लाह का जिक्र है। बाब शशम में हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम, इनमें कुछ सहाबा इकराम का जिक्र है, सहाबियात का जिक्र है, सूफिया इकराम और उल्मा मुफक्किरीन का जिक्र है। आखिरी चैप्टर हमारा बाब हफ्तम, इसमें इस्लामी तालीमात और असर हासर के तकाज़ों के बारे में बताया गया है कि इस्लाम में मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी की क्या अहमियत है और इस्लामी तहजीब के इम्तियाजात क्या हैं। अज़ीज़ तलबा, किताब के तारुफ के बाद हम इंशाल्लाह नई वीडियो में सबक की पढ़ाई और उसके मुश्किल सवालात करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।